बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हुए हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ट्रेजिक रही। आलम ये रहा कि स्टारडम हासिल करने के बाद भी उनका अंत बेहद दुखद रहा। इन्हीं में से एक है वीरा सुंदर सिंह, जिन्हें लोग प्रिया राजवंश के नाम से ही जानते थे। कभी बिना शादी किए डायरेक्टर चेतन आनंद के साथ पत्नी की तरह रहने वाली प्रिया का मर्डर उनके ही सौतेले बेटों ने नौकरानी के साथ मिलकर कर दिया था। उस वक्त प्रिया ने प्यार के लिए संसार ही छोड़ दिया था। प्रिया राजवंश का जन्म 1937 में शिमला में हुआ था, यहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। प्रिया को बचपन से ही कला में रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई के दौरान कई नाटकों में हिस्सा लिया, वन विभाग में कंजर्वेटिव रहे। उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की ने ब्रिटेन भेजा गया था। उनके साथ प्रिया भी लंदन पहुंच गईं, जिसके बाद प्रिया ने फिल्मों का रुख किया। एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाली प्रिया राजवंश खुद से 15 साल बड़े शादीशुदा चेतन आनंद के साथ लिव इन में रह रही होती हैं। प्रिया को फिल्मों में लाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद इंडस्ट्री के बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर्स में से एक थे। प्रिया को बचपन से ही अभिनय का काफी शौक था। वे हमेशा स्कूल से लेकर कॉलेजों में नाटकों में हिस्सा लेती थी। बेहद खूबसूरत होने की वजह से फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींचते थे। ऐसे ही एक दिन उनकी तस्वीर चेतन आनंद के पास पहुंच गई। उस वक्त वे फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे, इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। जब उन्होंने प्रिया की तस्वीरें देखी तो उन्होंने प्रिया को अपनी फिल्म में लेने का फैसला कर दिया और इस तरह से उनकी जिंदगी में भी प्रिया की एंट्री हो गई। चेतन आनंद की शादी उमा से हुई थी लेकिन उमा और उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। ऐसे में जब प्रिया उनकी जिंदगी में आई तो उनसे चेतन की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ गईं। प्रिया ने खुद से 15 साल बड़े चेतन आनंद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। प्रिया एक पत्नी की तरह चेतन आनंद का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। चेतन आनंद का निधन 1997 में हो गया था। इसके बाद प्रिया ने अपने सौतेले बेटे केतन और विवेक आनंद के साथ जूही के एक बंगले में रहना शुरू कर दिया। प्रिया को यह नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। प्रिया की लाश इसी बंगले में 27 मार्च 2000 के दिन मिली थी। जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि दोनों बेटों ने घर के नौकरों के साथ मिलकर प्रिया की हत्या की थी। दरअसल 27 मार्च 2000 जगह मुंबई के जुहू रुइया पार्क में एक बंगला बंगले के अंदर मिलती है एक लाश। बीते समय की जानी मानी अदाकारा प्रिया राजवंश की लाश। इस पूरी मौत से पूरे देश में स्तंभ था। पहले खबर आती है कि प्रिया की मौत एक सुसाइड है लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पूरा साइज सामने आ जाता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि प्रिया की मौत साधारण नहीं थी, ये एक मर्डर था। प्रिया का गला दबाकर उनकी हत्या की गई थी। मर्डर का आरोप लगा केतन आनंद और उनके विवेक आनंद पर। कौन थे केतन और विवेक? ये दोनों मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद और उनकी पत्नी उमा के आनंद के बेटे हैं। कहा गया है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए दोनों ने अपने नौकरों के साथ मिलकर प्रिया की हत्या की थी। वजह थी चेतन आनंद की वसीयत। 1997 में आनंद की मौत के बाद जब उनकी वसीयत खोली गई तो बड़ी दिलचस्प बातें सामने आईं। चेतन ने अपनी वसीयत में प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम और आधा हिस्सा अपने बेटों के नाम किया था। वसीयत का यही क्लॉज प्रिया के मर्डर की वजह बना। प्रिया का जन्म 30 दिसंबर 1939 को शिमला में हुआ था। माता पिता ने नाम रखा वीरा सुंदर सिंह। वीरा शिमला में ही पली बड़ी। शिमला के ऑकलैंड हाउस से अपनी पढ़ाई की। वो सिर्फ 9 साल की थी जब उन्होंने स्टेज पर पहली बार एक्टिंग की थी अंग्रेजी नाटक वर्ल्ड विदाउट मैन में। उनके द्वारा निभाए गए इस किरदार की खूब तारीफ हुई। उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। वीरा एक्टिंग ही नहीं पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। 1956 में उन्होंने बीए की डिग्री ली और बलराज साहनी के साथ थिएटर करने लगी। बलराज साहनी कैसे और उनके जीवन में आई ये बताते हैं। दरअसल बलराज साहनी साहब एक यूथ फेस्टिवल देखने के लिए शिमला गए हुए थे। उनकी नजर वीरा पर पड़ती है और उन्हें वीरा का काम पसंद आता है। वो उन्हें नाटक में ले लेते हैं। वीरा के पिता जो पेशे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटर यानी वन रक्षक थे उनका ट्रांसफर हो जाता है। वो यूएन के किसी असाइनमेंट पर थे, लंदन चले जाते हैं। वीरा उनके साथ जाती है और आगे की पढ़ाई वहीं होती है। लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से वीरा ने ग्रेजुएशन की। लंदन में रहते हुए उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए। वहां पर एक भारतीय प्रोड्यूसर रणवीर सिंह से वीरा की मुलाकात हुई। उन्होंने वीरा को अपनी अंग्रेजी फिल्म द लॉन्ग ड्यूल के लिए साइन किया। फिल्म बनने में काफी वक्त लग रहा था, इसी बीच उन्होंने चेतन आनंद को वीरा के बारे में बताया।
चेतन आनंद मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर और एक्टर थे। देवानंद के बड़े भाई थे। इत्तेफाक चेतन आनंद भी उस वक्त एक नई हीरोइन ढूंढ रहे थे। चेतन आनंद को वीरा की तस्वीर दिखाई गई। उसे देखते ही चेतन आनंद ने कहा, मुझे मेरी हीरोइन मिल गई। वीरा सुंदर सिंह लंदन से मुंबई आ गई। वीरा सुंदर सिंह का ये आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद से चेतन आनंद ने उनका नाम बदल दिया। वो बन गई प्रिया राजवंश। इसी नाम से हम सब उन्हें जानते हैं। प्रिया की पहली फिल्म थी काफिर। फिल्म की कहानी पार्टीशन के दुख को बयान करती है। ये फिल्म बाद में ठंडे बस्ते में चली गई। 1964 में प्रिया की एक और फिल्म आई हकीकत। इसे प्रिया राजवंश की पहली फिल्म कहा जाता है। अपने 20 साल के करियर में प्रिया राजवंश ने मुश्किल से 7-8 फिल्मों में काम किया। वो सारी ही फिल्में चेतन आनंद की थी। हकीकत, हीरा रांझा, कुदरत, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, इसमें से कुछ फिल्में बेहद लोकप्रिय रहीं। हीर रांझा को तो इंडिया की पहली म्यूजिकल फिल्म कहा गया। उनकी फिल्मों के भी गाने काफी पॉपुलर रहे, जैसे मिलो ना तुम तो हम दिल घबराए, बेताब दिल की तमन्ना, दो दिल टूटे, तुम जो मिल गए हो वगैरह। उन पर फिल्माई गई कव्वाली, ये माना मेरी जान तो बहुत ही मकबूल हुई। प्रिया राजवंश का प्यार ही उनके लिए परेशानी में बदल गया। फिल्में करते करते प्रिया राजवंश और चेतन आनंद एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे ये पसंद प्यार में तब्दील हो गई। चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के बीच करीब 20 साल का अंतर था, फिर भी प्यार का परवान चढ़ा। चेतन आनंद की उमा आनंद के साथ शादी हो चुकी थी। हालांकि प्रिया के मिलने से पहले वो अपनी बीवी बच्चों से अलग हो गए थे। चेतन आनंद अपनी बीवी से तो अलग हो गए थे, लेकिन उनके दोनों बेटे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उनके साथ काम कर रहे थे। चेतन आनंद प्रिया राजवंश जितनी मोहब्बत करते थे, उतनी ही नफरत उनके बेटे प्रिया से करते थे। कहा जाता है कि ये नफरत आगे चलकर प्रिया की मौत की वजह बनी। चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद ने सौम्य मृदुभाषी प्रिया राजवंश की साजिश करके उनके घरेलू नौकरों माला एवं अशोक के साथ मिलकर निर्माता से 27 मार्च 2000 को हत्या कर दी और इन चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके कुछ वर्ष बाद चेतन आनंद के जीवन पर उमा और केतन आनंद की एक किताब आई। उसमें उनके जीवन के तमाम चैप्टर शामिल हैं। पर जीवन के कई दशक चेतन आनंद के साथ गुजारने वाली प्रिया राजवंश का उस किताब में जिक्र ना के बराबर है। प्रिया के इस दुखदायी अंत से लालच की बलिवेदी पर प्रेम और विश्वास की एक और बलि दी गई है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।